वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। तो दोस्तों, कोस्ट गार्ड की तरफ से जो है एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल करके आ रही है। दोस्तों, कैंडिडेट्स जो है काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे कोस्ट गार्ड नाविक जेडी और डीबी के 02/2023 बैच की फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर कि स्टेज टू का रिजल्ट कब आएगा। तो दोस्तों, आज शाम को जो है इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कोस्ट गार्ड नाविक जेडी और डीबी के 02/2023 बैच का स्टेज टू का रिजल्ट, या फिर आप बोल सकते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। तो जिन कैंडिडेट्स को भी इंतजार था फाइनल मेरिट लिस्ट को लेकर, वो जो है अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप लोग अपना रिजल्ट चेकआउट करेंगे, और साथ ही जो है इस बार कट ऑफ क्या देखने को मिली है, और साथ ही जो है आगे आपको कैसे तैयारी करनी है कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको एंड तक देखिएगा। और यदि आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि मैं जो है अभी इंडियन कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हूँ, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उसके थ्रू इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। उसके बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर जो है आपको ज्वाइन आईसीजी एज एनरोल्ड पर्सन टैब देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप लोग रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज के ऊपर। तो यहाँ पर जो है दोस्तों आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पर जो है कोस्ट गार्ड के द्वारा आपके नोटिस भी जारी किया गया है, जो कि आप लोग पढ़ सकते हैं कि द रिजल्ट ऑफ स्टेज टू ऑफ CGEPT 02/2023 बैच इज डिक्लेयर्ड हियर विथ, काइंडली चेक योर लॉगिन आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोग सिंपली इस ब्लू टिक के ऊपर क्लिक करके भी जो है अपनी रिजल्ट को चेकआउट कर सकते हैं, या फिर जो है आप लोगों को सिंपली यहाँ पर ये जो ब्लू बॉक्स में देखने को मिल रहा है एनरोल्ड पर्सन CGEPT 02/2023 बैच, इसके ऊपर क्लिक करना है। जिसके बाद आप लोग सिंपली रिडायरेक्ट हो जाएंगे एक नए पेज के ऊपर। वहां पर दोस्तों आप लोगों को कोस्ट गार्ड का जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड है वो डालकर कैप्चा फिल करके जो है लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लोग लॉगिन करोगे, आप लोगों को जो है स्क्रीन के ऊपर अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं CGEPT 02/2023 बैच एग्जामिनेशन रिजल्ट। तो यहां पर जो है कैंडिडेट का नाम देव सिंह चौहान है, और ये नाविक जीडी की पोस्ट के लिए इन्होंने एग्जाम दिया था, और ये जो है अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मिला करके जो है स्टेज 1 में 110 में से इनके 79 मार्क्स थे, जो कि काफी अच्छा स्कोर है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करूँ इनके स्टेज 2 के रिजल्ट को लेकर, तो आप देख सकते हैं कि स्टेज 2 में भी जो है ये PFT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल इन तीनों में पास थे, और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। लेकिन इनके ओवरऑल रिजल्ट को लेकर बात करें तो ओवरऑल रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि ये जो है क्वालिफाई नहीं हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेज 3 व्यू नॉट मीटिंग द कट ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो स्टेज 3 के लिए जो है इनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है, क्योंकि इंडियन कोस्ट गार्ड में कुछ प्रायोरिटीज होती है, आप लोग यहाँ पर नीचे देख भी सकते हैं। तो इन प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग जो है इनको शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपका रिजल्ट जो है वो आ चुका है, तो आप लोग जो है अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही आपकी कैटेगरी की कट ऑफ क्या रही है नाविक जेडी और डीबी को मिला करके, वो आप लोग जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि फाइनल कट ऑफ क्या रही है सभी कैटेगरीज की, तो इसके ऊपर जो है आप लोगों को डेडिकेटेड एक वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, क्योंकि पूरे YouTube के ऊपर सबसे पहले हमने जो है ये वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप लोग इस बार के इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी और यांत्रिक के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी क्लासेस जो है वो 15 तारीख से रेगुलर चलने वाली हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग हमारी प्रीवियस प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों की तैयारी होती रहेगी। तो हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।